अगर कोई मरीज़ है कोई बीमार है अब वो चाहता है कि वो पहले की तरह सेहत पा ले तो उसको जो है जो मैं आज इसमें मुबारक बताऊंगा, उसको ज़रूर करना चाहिए ताकि आप पहले की तरह सेहतमंद हो जाएं और अल्लाह रब्बुल ला आलमीन आपको बीमारियों से बचा ले जो मैं आज वजीफ़ा बताऊंगा, उसको ग़ौर से समात फरमाइएगा मैं हूँ आपका मोमिन भाई सैयद फ़ुरक़ान अहमद और आप देख रहे हैं अलफुरान हदीस خواتين هزرات السلام عليكم ورحمه الله وبركاته سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم कई ऐसे कई ऐसी मर्ज़ होती है जो इंसान को छोड़ती नहीं है जल्दी बल्कि बेड पर ऐसा गिरा देती है कि मरीज़ को लगता है कि हम कई अरसे से बेड पर है और कई मरीज़ ऐसे भी हैं जो कई अरसे से जो है बेड पर पड़े रहते हैं यानी उनकी बीमारी जल्दी ख़त्म नहीं होती है तो उन लोगों को चाहिए जो आज मैं इसमें मुबारक दूंगा अल्लाह रब्बुल आलमीन का उसका विर्द करना है उसका तरीक़ा भी बताऊँगा वो इसमें मुबारक क्या है वो भी बताऊँगा उसको करने से ना सिर्फ बीमारी ख़त्म होगी बल्कि सेहत भी बेहतरीन हो जाएगी इस वज़ीवे का जो तरीक़ा है वो ये है कि एक हज़ार मरतबा जो है वो इसमें मुबारक को पढ़ना है जो मैं बताऊंगा उसको एक हज़ार मरतबा मरीज़ को पढ़ना है अगर मरीज़ इस लायक नहीं है पढ़ने के जो उनके करीब में लोग हैं जो उनके घर वाले हैं उनको चाहिए कि उस मरीज़ के पेशानी पे अपना सीधा हाथ रख करके कम से कम दिन में एक बार इस इसमें इस मुबारक को एक हज़ार मरतबा ज़रूर पढ़ें ताकि जो है वो बीमारी उस शख़्स के जिसम से निकल जाए और वो सेहतियाब हो जाए सेहतमंद हो जाए और वो इसमें मुबारक जो है या है्यो या हय्यो है या है्यो या है्यो को आपको एक हज़ार मरतबा पढ़ना है अगर मरीज़ इस लायक़ है कि वो पढ़ ले तो वो ख़ुद ही जो है एक हज़ार मरतबा ये इसमें मुबारक को पढ़ कर अपने ऊपर दम कर ले अगर मरीज़ इस लायक नहीं है तो उनके घर वालों को चाहिए कि उसके पेशानी पे सीधा हाथ रख कर के या है्यो एक हज़ार मरतबा पढ़ के उस पर दम करे और उसको बीमारी से निजात दिला दे अब मैं इजाज़त चाहता हूँ अल्ला हाफ़ फ़ी अमान असलम आलकम